नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू HR&D। आपको तो पता है हम सेफर स्ट्रॉन्गर एंड बेटर बिल्डिंग बनाते हैं। आज हम एक बेटर बिल्डिंग बना रहे हैं। आप पीछे में देख सकते हो ये बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 80% का काम लगभग हो चुका है। हमने क्या किया है कि एक्सटीरियर के लिए वॉल क्लैडिंग यूज किया है, वो भी बाइसन बोर्ड का, बाइसन बोर्ड प्लैंक्स बोलते हैं। बाद में वाटर प्रूफिंग के लिए हमने जिप्रॉक कंपनी का ये मटेरियल यूज किया है, ग्लासवर्क करके, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। ये न्यू अभी अभी लॉन्च हुआ है, शायद एक महीना और 4 महीना भी हो चुका होगा शायद, मेरे को आइडिया नहीं है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे इसका, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है ये। बाद में हमने क्या किया कि अंदर से हमने क्या प्लान किया था, हमने प्लान किया था कि प्लाईवुड लगाने का प्लानिंग किया था, बट हमने लास्ट में क्या किया कि प्लाईवुड रहता ना, प्लाईवुड को हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसका टेक्सचर रहता ना वो इतना अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि वॉइस ऑफ वॉल वो इतना अच्छा नहीं दिखता है। हमने इसलिए क्या किया, पाइनवुड यूज किया। पाइनवुड में हम क्या रहता है कि हमने पाइनवुड का प्लैंक यूज किया है, उसमें क्या होता है कि टंग एंड ग्रू सिस्टम है, इसलिए हमने पाइनवुड यूज किया है। चलो अभी देख के आता है हमारा काम कैसा चल रहा है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला कदम काफी जरूरी था। हमने अपने स्टील स्ट्रक्चर पर हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक्स इंस्टॉल किए। ये सिर्फ एक सिंपल टास्क नहीं था, ये सब कुछ जो इसके बाद आने वाला मटेरियल के लिए एक फाउंडेशन था। हमने इन वुडन प्लैंक्स के बीच में लगभग 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखा, क्योंकि ये प्लैंक सिर्फ हमारे पाइनवुड पैनल्स के लिए बेस का काम नहीं करते, बल्कि स्टील स्ट्रक्चर को भी मजबूती देते हैं। वुड और स्टील का ये कॉम्बिनेशन हमें एक सॉलिड और रिलायबल फ्रेमवर्क देता है, जो ये एंश्योर करता है कि पाइनवुड पैनल्स जो हम इंस्टॉल करेंगे वो सालों तक अपनी जगह पर मजबूती से बने रहेंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग फिनिशिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो अगला कदम था पाइनवुड प्लैंक्स को मेजर और कट करना। ये स्टेज पर प्रिसिशन सब कुछ है। हमने प्लैंक्स का एक्यूरेट मेजरमेंट लिया और उनको कट किया ताकि वो परफेक्टली फिट हो सके। प्रॉपर लेवल पाने के लिए हमने वाटर लेवल लेजर का यूज किया, जिसे हमें एक इवन सरफेस मिल पाई। फिर हमने पाइनवुड प्लैंक्स को एक एक करके इंस्टॉल करना शुरू किया। ये स्टेप हमारा फाइनल आउटकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमारी पूरी वॉल का लुक और स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकती थी। हमारे प्रोजेक्ट में जो पाइनवुड हम यूज कर रहे हैं वो टंग एंड ग्रू डिजाइन का है। ये पाइनवुड रशिया से इंपोर्ट किया गया है और ये मार्केट में अवेलेबल बेस्ट पाइनवुड में से एक है। ये पाइनवुड अक्सर इंटीरियर वॉल्स टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका टेक्सचर एंड स्ट्रेंथ काफी सुपीरियर होता है। इसकी क्वालिटी हमें एक हाई एंड फिनिशिंग देगी, जो सिर्फ देखने में नहीं बल्कि फील करने में भी प्रीमियम लगती है। लेकिन इंस्टॉलेशन के दौरान हमने एक कॉमन प्रॉब्लम का सामना किया, वुड बेंडिंग। ये वुड में काफी कॉमन होता है, लेकिन हमने इसे हैंडल करने के लिए काफी केयरफुल अप्रोच रखा। हमने प्लैंक्स को केयरफुली इंस्टॉल किया और नेल गन का यूज किया ताकि प्लैंक्स अपनी जगह पे सिक्योरली बना रहे। हमने 18 गेज नेल गन का यूज किया, जो हमारा प्रोजेक्ट को काफी फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। करंट बोर्ड आया है, इसके लिए इसका एडजस्ट करना है। ये पीस अभी हम ऐसे कटिंग करके डाला, लेकिन इसको इधर एक सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए हम लोग अभी एक लकड़ी का पीस लेके अंदर ऐसे डाल के इधर स्क्रू लगा के इसको सपोर्ट देना है, तभी ये एकदम टाइट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हिलते रहेगा, इसलिए अभी हम लोग इसका एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने उसका लकड़ी का पीस दिया है। हाँ ठीक है, अभी लकड़ी का पीस इसलिए दे रहा है कि इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए जी, नहीं तो ये जो साइड का पीस है हाँ, वो हिलते रहेगा, वो एकदम स्ट्रांग नहीं बनेगा। अभी देखो, अभी ये पीस डाला हुआ लकड़ी का, अभी ये कुछ भी नहीं हिल रहा है, एकदम स्ट्रांग हो गया।
ओपन दिख रहा है, ये इसलिए छोड़ा है कि ये अभी ऐसे फ्रेम आएगा, ऐसे फ्रेम आते हैं, इधर से एक फ्रेम आएगा, पूरा अलग से फ्रेम आके पूरा चारों तरफ ऐसे फ्रेम होगा, उसको ऐसे 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 फ्रेम आ जाएगा, इतना इतना में आके फ्रेम लगाने से एकदम अलग से दिखेगा, लुक भी आपको अच्छा लगेगा दिखने में, और स्ट्रेंथ भी होगा। और नीचे भी ऐसे जो फ्रेम आएगा इसको थोड़ा बाहर आएगा ऐसे, क्योंकि अगर इधर विंडो भी है आपको दो तरफ का होगा, अगर विंडो रहेगा आप एक कप कॉफी पी रहे तभी कॉफी कप पे आप रख सकते हैं, वैसे हम ये प्लान बनाया। तो एक्चुअली हेल्पफुल भी होगा और अच्छा स्ट्रेंथ भी होगा, ये हमारा अभी प्लानिंग है, देखेंगे क्या हो जाएगा। जब ये सब फिनिश हो जाएगा तो वॉल का लुक काफी अच्छा दिखेगा, लेकिन अभी भी कुछ काम पेंडिंग है जो हमें कंप्लीट करना है। हम अपनी बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर एक मास्टरपीस बनने वाला है, इसीलिए आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।